बीजेपी ने आज बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में टीपू जयंती के विरोध में प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा समेत कई बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को हिरासत में ले लिया। गुलबर्गा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने यहां भी कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। There will be no processions, no bike rallies, no function in open places. We have imposed section 144 also from morning 5 a.m. to midnight. Our workers are protesting and police are arresting our workers. यूपी के बलिया में अब्बासपुर गांव में शहीद की पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। दो दिन पहले ही परिवार के हरेंद्र से फोन पर बात हुई थी। हरेंद्र ने परिवार को चिंता नहीं करने के लिए कहा था। हरेंद्र आखिरी बार अगस्त में घर आए थे। नौकरी चाहिए और पेंशन पैसा हमको जब तक ले जी तब तक ले चाहिए। लड़कन के पढ़ावे लिखाओ के पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं देश के लिए तैयार हूँ, पिता की शहादत का बदला लूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान अब तक करीब 110 बार सीज फायर तोड़ चुका है। 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बीएसएफ और सेना के 13 जवान शहीद हो चुके हैं। शहीद हरेंद्र ने परिवार से कहा था कि इस बार छुट्टियों में घर आकर वो अधूरे मकान के काम को पूरा करें।